प्रेज द लॉर्ड गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति कीजिए। 20वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम सेकंड क्रॉनिकल्स यानी के दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय एदोम के साथ युद्ध। कल जो हमने पढ़ा था और प्रभु का वचन हमें रोज कुछ नई नई चीज़ें सिखा था, यहोशापात को नबी की फटकार उसने सुन ली, स्वीकार कर ली, मान ली और अंगीकार करके आगे बढ़ गया। 20वें अध्याय में एदोम के साथ युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने अंगीकार किया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एदोम के साथ जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को देखते हैं कि क्या है। युद्ध हमेशा तकलीफ तो देता है, लेकिन युद्ध के पीछे भी एक योजना है। चैप्टर 20:1, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से 100,000 भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हस्सा सोनता मार तक, जो एनगद्दी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। विपत्ति आती है तभी हम अपने उद्धारकर्ता को पुकारते हैं कि बचा ले, बचा ले, बचा ले, पहले क्यों नहीं। आज आपके और मेरे घरों में सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर मैं सुबह घर से निकलता हूँ, अपने रोज़ की ज़िंदगी को देखता हूँ, तो पहले मैं सोचता हूँ कि आज मैंने कैसी संगति की है परमेश्वर यहोवा के साथ। कहीं मैंने आड़ी अधूरी तो संगति नहीं की, ऐसी संगति तो नहीं की जिसका जिसके लिए मुझे पश्चाताना पड़े? क्या मेरे घुटनों की प्रार्थना बिस्तर पर जाने से पहले जो है वो अच्छी है? क्या मेरी संगति सही है? मैं रोज़ इसके बारे में चिंता करता हूँ, और क्या है, कैसा है वो मैं जानता हूँ। हम मुसीबत में पड़े तब यहोवा के पास जाएं, तब क्या? मुसीबत में पड़ेंगे ही नहीं अगर हम यहोवा के पास हैं तो, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। एंड देन वर्स 5 इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई और नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें मेरे मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब कि क्या खूबसूरत तरीके से उसने याद दिलाया है परमेश्वर को। देखो वचन का इस्तेमाल करना भी यही है। दिस इज योर वर्ड लॉर्ड, यू सेड दिस, प्रभु तूने कहा है। ओके, लिखा 10 पद में, और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। लिखा ना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जिन्होंने भरोसा रखा उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो 13 पद में क्या है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाब के वंश में से यजेल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली की सब बीच यहोवा का आत्मा समाया। पता, जब लोगों के नाम इस प्रकार से लिखे जाते हैं ना, उसका पिता, उसका दादा, उसका पोता, उसका बेटा, ये नाम इसलिए लिए जाते हैं ताकि परमेश्वर उस क्रेडिबिलिटी को दिखाए कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे तू और तेरे घराने को चलाऊँगा, तेरे घराने को इस्तेमाल करूँगा, ये इसलिए दर्शाते हैं। वर्स 15 में इस प्रकार से लिखा है, वह यह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं
और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। वाह, क्या बात है। लड़ाई तो लड़नी नहीं है, खड़े होकर देखना कि यहोवा तुम्हारे लिए कैसे लड़ता है। हालेलुया। वर्स 18 पद, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों कोरेहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु तेरे जैसा कौन, तेरी भलाई सदैव की है। हालेलुया। यू नो देवर वंडरफुली यू नो प्रेजिंग। अरे जान बच गई तो लाखों पाए, ऐसी कहावत है ना, तो वो जो भी है, पर यहाँ पर यहोवा ने जान बची तो हमने यहोवा पाया। 20 पद, वे सवेरे उठकर तकाओ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के सब सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। मतलब ये देखो, युद्ध में लड़ने जाते हैं तो ललकारते, ये मार देंगे, काट देंगे, ये करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ यहोवा के गीत गाए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर उनका विजय यहोवा है। हालेलुया। और देखो ये लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मुआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ उठाया लगाया। मतलब आपस में एक दूसरे को नाश करने में लगे हुए हैं, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग, राइट। एंड देन जब उसके बाद 24 पद में लिखा है, वर्स 24, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने के लिए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले, उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनका न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। उन्होंने चौथे दिन को बाराक नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुषों और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया। अतः वे सारंगियों, वीणाएं और तुरही बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। तब वे देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यहोवा भला है और उसने भलाई अपने लोगों पर बहुतायत से की है, उन पर जो भरोसा रखते हैं। और जिन्होंने भरोसा नहीं रखा उनके बारे में तो सुन लिया आपने उनका क्या हुआ। वर्स 31, यूं यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया, और जब वह राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, और जो शिली की बेटी थी वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र यहू के विषय में उस वृत्तांत में लिखे हैं जो इज़राइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अज्या से, जो बड़ी दृष्टता करता था, मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन गेबेर में बनवाए। तब दोदावा के पुत्र मर्शेवासी
एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो आज्ञा से मेल किया इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। योजनाएं तो बनाता मनुष्य है, लेकिन उनका पूरा होना यहोवा की ओर से है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। आपको सोचना होगा इसके बारे में कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, उसके अनुसार रहें। और जिससे यहोवा परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसे उसके अनुसार देखना चाहता है। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दिस इज़ व्हाट यू नीड टू थिंक। आपको ये सोचना चाहिए, ये मनन करना चाहिए। लेट्स प्रे एंड आस्क। लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, आशीषित कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि सब बातों में हम तुझे पहला स्थान दें। और प्रभु, अपने दिन इससे पहले के बुरे हो जाएं, हम तेरे साथ अच्छी संगति करें, ताकि वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है, तेरी मर्जी पूरा करें। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी हमारे जीवन में हो। आज की दिन की रोटी, आज की दिन की व्यवस्थाएं तेरे हाथों में, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे, फलवंत और बलवंत करे। आगे बढ़ो, स्तुति करो, ये प्रभु चाहता है, आमीन। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।